बहुत कुछ हो लिया, दूत बैद लिया, तारीख हो ली, पंचायत हो ली, बागला सोच लो के करना है। 9 तारीख नजदीक आ ली और दोबारा 28 तारीख अधूरा हो, यह बड़ी बात है। किसान संगठन, सामाजिक संगठन और खाप चौधरी अपनी ईगो ने एक तरफ करके बहन बेटियों की जो लड़ाई है उसमें तन मन धन से लड़ लो यदि जिंदा रहना है, और नहीं तो फसल भी गई, नस्ल भी गई, कुछ नहीं रहा पल्ले। डॉक्टर साहिबा, अब पहलवानों की लड़ाई तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, मुझे बात तो ठीक है की लड़ाई अब हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो लड़ाई ऐसे ही चलती है। किसान जिस टाइम हम फसलों की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी ऐसा ही था। ये कुछ सरकारें कर रही हैं, सरकार में कुछ चुनिंदा लोग अपने घुसा देते हैं, ऐसे किसान आंदोलन में था ऐसे ही अब पहलवानों वाले आंदोलन में। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम रणनीति बनाएंगे तो सफल रहेंगे, पर यह बात है कि हम अपने आप को आगे ना करें, दूसरे बंदे को ये कहें कि आप आगे चलो तब जाके ये लड़ाई लड़ पाएंगे। यदि एक दूसरे का पांव खींचेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा इस देश में। मलिक साहब, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, नहीं बात ठीक कह रही, शिकम जी ऐसी बात नहीं है, बात ठीक है। अपनी तैयारी करके लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। भाई कौन आया क्या आया, वो पीछे वालियों से सबक लेके आके भाई उसमें सुधार करके चलना पड़ेगा। भाई सारे जिम्मेवार आदमी हैं, पहलवान जी हैं और फोर साहब भी दिखाई दे रहे, मान साहब की तो आवाज नहीं सुनाई दी। भाई शिकम है, बहुत बड़ा इनका तजर्बा रहा पीछे आंदोलनों का, तो देखो इनके तजर्बे पे जो कमियां रही है उनको दूर करके भाई आके कोई एक दो दिन में ऐसा मजबूत कोई बात करी जा जो जिम्मेवारी के साथ ले जा, तो अच्छी रहेगी बात हमारे। तो यही है भाई, कौन आया क्या है, पीछे वालों को लंच लगाते रहे, पीछे वाले तो छोड़ने पड़ेंगे, किसने क्या किया भाई, उनको आगे इग्नोर कर दो जो गलत कर रहा है। जो आदमी जिसकी नीत साहब और आगे बुला गए और कई मीटिंग करके आगे की बात अपनी रणनीति बनाओ, यही है जी, और तो क्या। यही मलिक साहब, बड़ा बड़ा सवाल तो यही है, सरकारी चौधरी को कैसे आप खुद लाइन करेंगे, अपने बीच में काली भेड़ को कैसे ढूंढेंगे, अब बड़ा सवाल तो ये हो गया है। काली भेड़ पर निशान ला दी है, हम कितने कह ले, नंबर ला रखे हैं, नंबर प्लेट ला दी, उनका चिंता ना करो, उनका इलाज है हमारे पे। चिंता मत करो, जो काली भेड़ है पहचान ली कहला हमने, और उनका नंबर प्लेट ला दी है, काली भेड़ है, चिंता मत करो। कितने क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ जी जी, मान साहब काली भेड़ की पहचान कर ली गई है। हाँ दिख जाए, अपने आप दिख जाए, और कल दिखे ठीक है रही, डॉक्टर साहब ठीक है रही, जो जैसे कर्म करेगा, जो जैसे काम करेगा उसकी ये पार्टी 13 महीने आंदोलन चला, वो घोषणा हमारे देश को 13 महीने क्यों चला, इतना लंबा क्यों चला, क्यों आधी ताकत तो काई बेटों में लगे रहा देश, आधी सुबह बेटों में लगे रहा देश। ये बात ठीक करी है सिकंदर देवे, ठीक कर लिया, लेकिन हमारी ताकत ईद आज सवाल है कि हमने एक ही टारगेट बनाना चाहिए, ब्रजभूषण स्थरण ये तो एक तरफ बैठ गया, किसान संगठन पंचायत खा पंचायत और सरकार पूरा देश एक तरफ बैठ गया, ये ब्रजभूषण शरण है, इतना अपराधी है, इसके पूरे हो लिए सब कुछ हो लिया, इधर तो ध्यान दिंदा ही नहीं कोई, ये मामा आपस में तो एक घर में कासन रहेंगे, थोड़ा बहुत खड़केंगे, लेकिन टूटने नहीं चाहिए, खड़कने चाहिए टूटने नहीं चाहिए। हमारा देश का टारगेट मछली क्या होना चाहिए, बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए, और ब्रजभूषण शरण को जेल के पीछे जाना चाहिए था। ये काली बेद है, ये एडरी है अभी तक, नहीं तो अभी तक इतना पूरा खेल दावा जा लेता, और अभी भी पूरे देश से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये जी काफी हमें इकट्ठे हों, हमारा संदेश है पूरे देश को संयम से हों, इकट्ठे हों, और हमारा टारगेट एक हो, मन एक हो, दिल एक हो, तभी गर्भवस्था है, तभी देश बसता है। अलग अलग हम करेंगे तो एक सू एक बुहारी की सीख केला नहीं ढा सकती, बंदी बुहारी केला को घेर सकती है, ये हमारा संदेश है पूरे देश को, एक होना चाहिए हमने। और आप जैसे चैनल जो आप जैसे चैनल चला रहे हैं, आप मेरे पास आधा किला है, हर आजा मेरे को चैनल पे बिठा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो मीडिया का मीडिया मोदी का चैनल है वो अडानी केवल 50 चैनल, उसमें हमारे को कौन बुलाएगा, लेकिन संदेश हमारा उनसे भी तेज रहेगा,
जो डॉन के चैनल है आपके चैनल से संदेश मारा उनसे भी ज्यादा तेज रहेगा। नहीं नहीं पहलवान जी, आप लोग समाज का आईना है, आप लोग समाज के चौधरी हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, तो आप लोगों के जो मार्गदर्शन है उसी से समाज का भला होगा, इसीलिए आप लोगों को हरियाणा आज लेकर आता है। कंगन जी फोर साहब, मैं भाइयों की बात सुन रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो आज छापों को कमजोर मान रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई विपक्ष नहीं बोल रहा देश में, बोल रहा था अपनी राजसत्ता जाने के लिए बोल रहा, या लोकल लोग घूमते तो टिकटों के लिए घूमते हैं, इन बेटियों का मुद्दा दे कोई विपक्ष रोड पर नहीं है, सिर्फ खाप पंचायत किसान संगठन यही रोड पे है। मुझे ये बताइए कि काली भेड़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनका बंदोबस्त किया जाएगा या फिर उनको यूं ही खुला चरने के लिए छोड़ा जाएगा? आपको सब कुछ बता देता हूँ, मुझे अनुभव है, और काली भेड़ों का घर दबाया भी जिनसे दबाया भागे हैं, बुलवाने ने लिख जिनकी ने खत्म कर जाट आरक्षण के अंदर, ये लोग वहां भी पास नाम नहीं लूंगा, समाज को बेच क्या, और वो लोग अब आगाना चाहते हैं, और लोगों ने उनको पहचान लिया, क्या दुर्गा नंबर मार कर दिए, वो दुना लोग बहुत दिन पीछे फिर उभरेंगे और अब जल्दी वो आगे नहीं आएंगे, उनका मार कर दिया, ये भाई बोल रहे चलिएगा आखिरी।